नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज फुलारा। आज आपको जीएसटी के बारे में बताऊंगा, जीएसटी जिसे हम गुड एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। जीएसटी की मुहिम सन 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में रखी गई थी, बट कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इसे लागू नहीं किया गया। दोस्तों, हमारे जो टैक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे आपका हाउस टैक्स या फिर इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे करते हैं थ्रू सर्विस प्रोवाइडर। इसमें आपका वैट आ जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेजिंग टैक्स, सर्विस टैक्स। दोस्तों, अगर आप 5 रुपए का एक बिस्किट खरीदते हैं तो एक्चुअल में उस बिस्किट की कॉस्ट 5 रुपए नहीं होती, बल्कि उसमें वैट, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी लगा के उसकी कॉस्ट को बढ़ा दिया जाता है। अगर आप एक कार खरीदते हैं तो एक्चुअल में जो उस कार की कॉस्ट होती है उसमें सर्विस टैक्स लगा के उसकी कॉस्ट को बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सारे टैक्स से होने वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। अगस्त 2016 में राज्यसभा में 122 एडेंडम के अकॉर्डिंग इसे पास किया गया, जो 1 जुलाई से लागू होगा 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी में, जिसका टैक्स रेट फिक्स होगा लगभग 18%। दोस्तों, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो पूरे भारत को एक यूनाइटेड मार्केट प्रोवाइड करेगा, सिंगल मार्केट प्रोवाइड करेगा, उसे सेंट्रलाइज करने की कोशिश भी करेगा। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक देश जिसमें सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, जिसका टैक्स रेट फिक्स होगा जो लगभग 18%। तो दोस्तों, अगर जीएसटी को लागू किया जाता है तो हमारा जो जीडीपी का रेट है वो कम से कम 2-3% बढ़ेगा। ये फ्री ऑफ करप्शन होगा और इसे अगर सही तरीके से लागू किया जाता है तो ये भारत में रहने वाले भारतीयों के लिए ट्रांसपेरेंटली वर्क करेगा। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसकी जो सप्लाई चेन होगी गवर्नमेंट तक पहुंचने की, वो बहुत शॉर्ट होगी। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि जीएसटी के कहां पे फायदे हैं और कहां पे इसके फायदे नहीं है। अगर मैं फायदों की बात करूं तो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में 25-26% टैक्स लगता था, अब वो जीएसटी के आने से 18% कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहां पे जीएसटी फायदेमंद है। और ये टैक्स लगेगा अगर आप होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, पेंट सीमेंट खरीदते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड खरीदते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, जैसे माइक्रोवेव या फिर एसी। तो यहाँ पे जहां पे इन पे 25-26% टैक्स लगता था, वहीं पे जीएसटी के आने की वजह से ये 18% लगेगा और काफी कम हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं कि ये कहां पे फायदेमंद नहीं है, तो जहां पे सर्विस चार्जेस हमारे 15% लगते थे, वहीं पे जीएसटी के आने से अब ये चार्जेस 18% हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि यहां पे जीएसटी इतने फायदेमंद नहीं है। और ये लगेगा अगर आप होटल में रहते हैं या फिर वहां पे खाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर अगर आप टोबैको, सिगरेट, दारू पीने के शौकीन हैं या उसके बादशाह हैं, तो भाई साहब जहां पे 15% टैक्स लगता था, अब वहां पे 18% टैक्स लगेगा। मुझे पूरा भरोसा आप उसे अभी भी खरीदेंगे। एट लास्ट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब तक जो जीएसटी है वो 165 देशों में लागू हो चुका है और 1 जुलाई के बाद से भारत 167वां देश बन जाएगा जो इसे लागू करेगा। दोस्तों, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो सारे टैक्सों को सारे टैक्सों के ढांचों को बड़ा सरल बना देता है, क्योंकि अब तक जितने टैक्स लगते थे उस पे टैक्स रेट डिफरेंट होने की वजह से उसे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता था। बट जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसमें जो टैक्स रेट है वो फिक्स है, जिसके वजह से इसे समझना बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।